हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो शुभ विजय दशमी आप सभी को गाइस। और हम लोग आ चुके हैं लाला बागान नवांकू, जिसको कि मिला हुआ है काफी सारा प्राइस। और ये बिल्कुल मेरे घर के पास में ही है। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने अभी तक ये पंडाल देख चुके हैं, आप लोग कितने लोग पंडाल कर चुके हो कमेंट बताना ना भूले। और ये देखिए मेरा दिया आज तो पहना हुआ था कुर्ती और पंजाबी, बहुत ही सुंदर लग रहा था मेरा बेटू। आप लोग भी कमेंट में बताइए कि वो कैसा लग रहा था। और ये देखिए बहुत ही सुंदर ग्रीन हाउस बनाया गया था, एकदम ग्रीन दुर्गा बनी थी, फर्स्ट एवर ग्रीन दुर्गा माता आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगी। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जल्दी से आप लोग देख लीजिए। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपको आकर के लगेगा, एकदम ही नेचुरल ग्रीन हाउस बना हुआ है यहाँ पे, एकदम ग्रीनरी है हर तरफ। और ये पेड़ बिल्कुल ओरिजिनल है, इससे पहले भी ऐसा बनाया गया है बट इसके जैसी नहीं बनाई गई है। इतनी ज़्यादा सुंदर पंडाल है गाइस, और आपको यहाँ पे आके एकदम ही बहुत ही ज़्यादा नेचुरल लगेगा। और ये देखिए यहाँ पे ये लोग मशरूम भी लगाए हुए थे यहाँ पे, और ये खुद से निकल भी रहे थे मशरूम का बेचारे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इतने अच्छे से डेकोरेशन किया जा सकता है फ्री से भी, ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत ही सुंदर बनी है माता रानी की मूर्ति, और ये सारा डेकोरेशन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट एवर ग्रीन दुर्गा, हमें यही समझ आता है कि हमें भी बहुत सारे पेड़ लगाने चाहिए। सेव ट्रीज सेव लाइफ गाइस, तो आप लोग भी ज़रूर पेड़ लगाइए अपने अपने घरों में एंड अपने अपने गार्डन्स में। इतने सुंदर ट्री हाउस को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पे Z5 से शायद शूट करने भी आए हुए थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये पंडाल, एकदम नंबर वन पंडाल बना हुआ है। आप लोग भी जरूर आइए, मस्ट विजिट पंडाल है। सो गाइस, आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल में नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये देखिए इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं नेक्स्ट पंडाल में, जो कि है लाला बागान सर्वजनीन। यहाँ भी बहुत ही सुंदर पूजा का थीम बनाया गया था और बहुत ही सुंदर पंडाल बना है। माता रानी की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनी है। यहाँ पे भी आपको थीम में गर्ल्स चाइल्ड के बारे में ही दिया हुआ है, जो कि बताया जा रहा है कि शोषण को रोकथाम करना चाहिए गर्ल्स के प्रति, जो भी आजकल हो रहे हैं आप लोगों को पता ही होगा। गर्ल्स चाइल्ड को एडुकेट करना बहुत ज़रूरी है, और इसी बारे में इस बार का पूजा भी है। माता रानी की मूर्ति देखिए बहुत ही सुंदर बनी हुई है, बिल्कुल अलग बनी हुई है और बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ के भी माँ दुर्गा। आप लोगों में से कितने लोग यहाँ पे विजिट कर चुके हैं ज़रूर बताना मुझे कमेंट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग ब्लॉग एंजॉय करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के लिए।